दोस्तों कभी कभी ओनर्स की कुछ मजबूरियां हो जाती हैं और व्यूअर्स का काफी बड़ा फायदा, और आज की वीडियो में भी आप लोगों को ऐसा ही कुछ मिलने वाला है। जी गाइस, आज मैं बात करने वाला हूं दो काफी फेमस डॉग स्पीड के बारे में, जो कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन आज की वीडियो के थ्रू आप लोगों को ये दोनों डॉग स्पीड बहुत कम प्राइस में मिल जाएंगी। हालांकि उन्होंने काफी एक्सपेंसिव प्राइस में इन्हें परचेज किया था और ये मुझे पर्सनली काफी अच्छे से पता है। तो गाइस, इन दोनों डॉग स्पीड का प्राइस जो मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं, वो आप लोग यूट्यूब पर कहीं पर भी सर्च कर लो, ऐसी क्वालिटी का प्राइस आप लोगों को इतना कम कहीं पर भी नहीं मिलेगा, और चीज की मेरी गारंटी है। बाय द वे, मैं बात कर रहा हूँ साइबेरियन हस्की और जर्मन शेफर्ड के बारे में। भाई दोनों की क्वालिटी इतनी मस्त है, आप लोगों को खुद ही पता लग गया होगा कि भाई कैसी क्वालिटी के डॉग्स हैं। वैसे दोनों कंप्लीट वैक्सीनेटेड है, एंड जो साइबेरियन हस्की ना वो मेल है और जो जर्मन शेफर्ड है वो है फीमेल। और हाँ गाइस, फिलहाल अगर आप लोग इस क्वालिटी का साइबेरियन हस्की परचेज करोगे, वो भी ब्लू आईज में, तो आप लोगों को कम से कम 20,000 रुपीस के आसपास मिलेगा, क्योंकि भाई सर्दियों में साइबेरियन हस्की का प्राइस काफी इंक्रीज हो जाता है। और इस ब्रीड में जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर होता है ना, वो दूसरे कलर के कंपेरिजन में थोड़ा सा ज्यादा ही महंगा होता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो है इन दोनों का टेम्परामेंट, क्योंकि एडल्ट डॉग्स को परचेज करते टाइम आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इनका टेम्परामेंट कैसा, उसके बिहाव पर ही आप लोगों को ये परचेज करने चाहिए। क्योंकि अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट एक फ्रेंडली डॉग ब्रीड की और आप लोगों ने परचेज कर लिया कोई अग्रेसिव डॉग, तो भाई आप लोगों को काफी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। लेकिन डोंट वरी, अगर आप लोग इनमें से किसी को भी परचेज करते हो तो डरने वाली कोई बात नहीं है, दोनों डॉग्स बिल्कुल फ्रेंडली है, आप लोग अपनी फैमिलीज में रख सकते हो, अपने बच्चों के साथ रख सकते हो। तो गाइस, जो लोग साइबेरियन हस्की को परचेज करना चाहते हैं, उन लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो डॉग है ना, ये 10 मंथ्स का हो चुका, काफी यंग है, लेकिन अभी तक शायद इसने मैटिंग करना स्टार्ट नहीं किया, तो एक दो महीने बाद आप लोग इससे मैटिंग कराना स्टार्ट करवा सकते हो, क्योंकि भाई डॉग की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। एंड उन्होंने जो इसके प्राइस की डिमांड किया ना भाई, वो के 16,000 पीस यानी 16,000 रुपए। भाई देखो, सेमेडल डॉग है, ब्लू आईज में और कलर बहुत बढ़िया है, एंड प्रॉपर मार्किंग में प्राइस बहुत बढ़िया है, आप लोग थोड़ा बहुत और भी बार्गेनिंग कर सकते हो। और बात करें अगर जर्मन शेफर्ड की, तो भाई जर्मन शेफर्ड तो ऑल टाइम फेवरेट डॉग ब्रीड है, काफी अच्छे फैमिली प्लस गार्ड डॉग्स होते हैं, काफी स्मार्टेस्ट डॉग ब्रीड है। तो अगर आप लोग काफी डार्क कलर का जर्मन शेफर्ड लेना चाहते हैं, तो आप लोग इस फीमेल को परचेज कर सकते हो। वैसे अभी ये फीमेल बिल्कुल फ्रेश है, अभी तक इसकी फर्स्ट ईट भी नहीं आई है, तो शायद 1 मंथ के अंदर इसकी फर्स्ट ईट आ जाए। बट प्लीज, मैं आप लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी फीमेल को हमेशा सेकंड ईट पर ही क्रॉस कराएं। तो टेम्परामेंट इस जर्मन शेफर्ड का भी बिल्कुल फ्रेंडली है, उन्होंने इसकी भी सभी वैक्सीनेशन कम्प्लीट करा रखी है। तो जिन लोगों के पास छोटे डॉग संभालने का टाइम नहीं होता, वो लोग इस जर्मन शेफर्ड को परचेज कर सकते हो, या फिर साइबेरियन हस्की को। वैसे मैं जर्मन शेफर्ड की भी बाकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देता हूँ। तो अगर इस जर्मन शेफर्ड की एज के बारे में बात करें, तो भाई ये फीमेल भी 10 मंथ्स की हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने दोनों को एक साथ ही परचेज किया था। एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है दिल्ली NCR से, आप लोग डायरेक्ट जाकर परचेज कर सकते हो। डिलीवरी के बारे में उन्होंने कुछ मेंशन नहीं कर रखा कि प्रोवाइड करा पाएंगे या फिर नहीं, तो एक बार इस बारे में डिस्कस जरूर कर लें। एंड फाइनली, अगर इसके प्राइस के बारे में बात करें, तो फीमेल जो है ना ब्लैक एंड रेड कलर में है, एंड ओनर ने जो इसके प्राइस की डिमांड की है ना भाई, वो के जस्ट 11,000 पीस यानी सिर्फ 11,000 रुपए। बाकी दोस्तों प्राइस में दोनों के बार गेटिंग कर सकते हो, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय बाय।